जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम कर्मयोग है। आज हम तीसवें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोकों में भगवान ने ये सभी बातें कही हैं। पहली, कर्म किए बिना नैष कर्म सिद्धि रूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती। दूसरी, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। तीसरी, एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चौथी, बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। पांचवी, मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। छठी, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सातवीं, बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आठवीं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण हैं। नवीं, कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। दसवीं, कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। ग्यारहवीं, कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। बारहवीं, जो यज्ञादि ना करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। तेरहवीं, कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। चौदहवीं, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पंद्रहवीं, पूर्व काल में जनक आदि ने भी कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। सोलहवीं, दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। सत्रहवीं, भगवान के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। अठारहवीं, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। उन्नीसवीं, ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए बल्कि स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। बीसवीं, ज्ञानी महापुरुष को यही उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को वह विचलित ना करे। इस प्रकार कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तीसरे अध्याय के तीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। पहले समझते हैं कि यहाँ पर
किस चित्त की बात की गई है और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है। सर्व अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त की यहाँ पर बात की गई है। ऐसे चित्त को आध्यात्मिक चित्त कहा जाता है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृदय और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसा भी करावे वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना या उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध ना रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है, फिर यहाँ आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है। भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार ही युद्ध करो। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं तब तक उसके समस्त कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते। प्रेम से बोलिए राधे राधे।